ऐसे व्यक्ति को टिकट ना मिले जिसने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की पंखड़ियां ऐसे करके तोड़ी हो। नमस्कार, पहलवान प्रदीप भोरा जी हमारे चैनल पे आने के लिए, और जय श्री राम। जय श्री राम। आज आप हमें मिली गए जी, नहीं तो हमें ढूंढते रहता हूँ मैं आपको कोटला में। वैसे तो प्रदीप जी, जैसे ये कहना चाहिए, आप भी एक पंक्ति में खड़े हैं टिकट के लिए जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि कोटला में आप अगर बाई चांस टिकट मिलती है, मैं आपको ये नहीं कह सकता 100% मिल जाएगी आपको, कि बहुत सारे उम्मीदवार और भी होते हैं, तो एज ए मैं जर्नलिस्ट आपको पूछना चाह रहा हूँ कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे कोटला में सुधार करने के लिए, जो अभी तक नहीं हुए हैं, जो आप चाहते हैं कि आगे जाके ऐसा हो, जो मैं कर सकता हूँ कुछ बताएंगे। देखो, सबसे बड़ा तो जब हम निगम के चुनाव में एमसीडी में चुनकर आएंगे तो नेचुरल है कि निगम का जो अधिकार क्षेत्र है, उसकी जो सीमा है, उस सीमा के अधीन जितने भी कार्य आएंगे, सफाई का है, रोड्स है, नाली है, खरंजा है, और कोटला मुबारकपुर के अंदर मार्केट के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी परेशानी है, जिससे मेरे व्यापारी भाई है, जितने भी साथी है, उनके कारोबार पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है पार्किंग ना होने के कारण। एक पार्किंग का बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे कि व्यापार को बढ़ोतरी मिलेगी अगर यहाँ पार्किंग बहुत बढ़िया बनेगी, और उसके बाद ग्राहक बाहर से आएगा संतुष्ट से गाड़ी खड़ी करेगा और उसको ये पता चलेगा कि पार्किंग का स्पेस है, तो मार्केट का और जो बूम है वो ज़्यादा उठेगा, जिससे ग्राहकों को भी सहूलियत मिलेगी, दुकानदारों को भी सहूलियत मिलेगी, और जो कोटला निवासी है, अगर दुकानें यहाँ और ज़्यादा खुलेगी, कारोबार और बढ़ेगा, तो दुकानों पर फिर लड़के भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और व्यापार वैसे के लिए आप बढ़ाना चाह रहे हैं कोटला के अंदर, व्यापार को बढ़ाना। जैसे आप, मैं भी कोटला में रहता हूँ कई सालों से, मतलब कई साल हो गए मुझे रहते हुए, तो जो एज ए मतलब आपको पब्लिक में बताता हूँ कि जैसे वहाँ पे गंदगी काफ़ी होती है जी, तो उसका क्या आप सोचेंगे कि कैसे उसको साफ करा जाए? वो दिमाग में मेरे बहुत आइडिए है। अच्छा, आप ये बताएंगे नहीं आपने? वो मेरा अपना काम है। देखो, अगर आप मुझे कोई ड्यूटी दोगे तो फिर मेरी ये पूरी भूमिका बनती है ईमानदारी से, कि आपने जब मुझे कोई ड्यूटी दी है तो उसको मैं पूरी तरह से करूं। जैसे कि मेरे घर का काम है, जब कोई व्यक्ति अपने घर का मकान बनाता है तो उसको पूरी तरह से साफ रखता है, उसमें एक एक चीज़ चुन के लगाता है, तो ये जो कोटला वार्ड है, ये मेरा घर परिवार है, और जब घर परिवार आपको सम्मान देगा तो आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है परिवार के प्रति, कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से आपको अपनी ड्यूटी को निभाना चाहिए अगर आपको दोबारा आना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में अगर आपको दोबारा आना है तो काम बहुत करना पड़ेगा। जैसे अभी हाँ बिल्कुल, कोटला में भी जो सिचुएशन चल रही, जो देख रहा हूँ, मेरी जो एनालिस्ट कहता हूँ, मैं करता हूँ कि तिकोना चुनाव लग रहा है मुझे इस बार। नहीं नहीं, कोई तिकोना चुनाव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, हम भगवाधारी है, आ गए भाई आ गए, भगवाधारी आ गए, बिल्कुल निश्चिंत तौर पर। और आपसे एक चीज और सुनना चाहूंगा मैं, कि अगर बाय चांस खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपको टिकट ना मिले या कुछ, तब भी आप पार्टी के साथ ऐसी? बिल्कुल, पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिसको भी मिलेगी उसको जिता के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और पार्टी को मजबूती से जिताने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक गुजारिश और निवेदन करना चाहता हूँ कि पार्टी बहुत ईमानदार, कर्मठ और जुझारू जिन लोगों ने पार्टी को लिए अपना तन मन धन ईमानदारी से दिया है, उसी में विश्वास जताए, ना कि इधर उधर के दल बदलू लोगों में पार्टी विश्वास जताए। ये मेरी एक पार्टी से गुजारिश और निवेदन है। तो मतलब आप चाहते हैं कि एक निष्पक्ष? हाँ बिल्कुल, पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता को टिकट मिले और उसके साथ हम ईमानदारी से लगेंगे। ऐसे व्यक्ति को टिकट ना मिले जिसने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की पंखड़ियां ऐसे करके तोड़ी हो, जिसने बहुत सम्मान के साथ उस फूल का सम्मान किया हो, उसे अपने माथे पे लगाया हो और उसका हमेशा पूजा की, जो उसका घर है उसके अंदर पूरा दिल से सम्मान किया। धन्यवाद प्रदीप जी, और हमारी दिल की इच्छा है कि आपको टिकट मिले और आप इस तरह से लड़े और आप ही जीते। देखिए, मैं हर किसी को यही बात बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसे हैं इस समय, पर जिसके भी जिसको भी मिलेगा मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे बात कहते हैं। देखिए सर, चुनाव टिकट किसको मिलेगी ये वक्त बताएगा, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन
जो भी व्यक्ति चुन के आए उसको क्षेत्र का विकास करना चाहिए और ईमानदारी से जो उसकी मॉरल ड्यूटी है, जैसे कि आप अपना घर बनाते हो उसकी एक एक कील, एक एक कोई भी सामान है बड़े ढंग से लगाते हो, तो ये परिवार है, ये घर है। और लोग वोट लेना सबसे कठिन काम है, लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं, तो आपको उनका काम पूरी ईमानदारी से करना। मेरा मतलब मेरी ये सोच है, मैं ऐसी सोच के साथ राजनीति में आया हूँ। प्रदीप जी, मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे भी ये लेडी सीट कर दी गई है और मैं तो भाभी जी बोलूंगा कि आप हमारे भाई हैं, तो मंजू जी, मंजू भाभी से मुलाकात करेंगे एक बार हम, और आप मुलाकात करवाएंगे हमारी, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे, तो आपको क्या कुछ फर्क लगता है कि लेडीज सीट होना ये ठीक है या कुछ बताएंगे इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है, लेडीज को देश में बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी बात है, लेडीज सीट हुई है तो उसमें क्या है, औरतों को घर से निकलना चाहिए और लेडीज का मर्द के मुकाबले ज्यादा अच्छा है 50%। और आप जैसे लोग साथ में खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान बदल रहा है। बिल्कुल, मोदी जी के साथ हम बदलते रहेंगे। बिल्कुल, जो मोदी जी कहेंगे वो करेंगे जरूर। आपको पता, बाबा साहब अम्बेडकर की जो धर्म पत्नी थी और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया था, पहले लंबा संघर्ष रहा है, और जो ये जो लेडीज है, जो आज महिला सीट हुई है, ये जो आरक्षण है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर की रही है। उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया और आगे बढ़ाने का काम किया। उसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी जो जिम्मेवारी है उनको दे रहे हैं। उसी कड़ी में देखिए, हमारी माननीय सांसद नई दिल्ली से बहन मीनाक्षी लेखी जी को पार्टी ने मंत्री बनाया और दो दो तीन तीन मंत्रालय दिए, उन्होंने विश्वास जताया है, तो हमारी पार्टी तो इसके पक्ष में है, महिलाओं को आगे आना चाहिए। धन्यवाद प्रदीप भैया, और मुलाकात करते हैं जल्दी से आपसे, और भाभी से जरूर मुलाकात करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।